दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग और इंटरेस्टिंग है। तो गुरु लोग, हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक फिल्मों की कोई भी कमी नहीं है। और रीमेक मतलब इधर का माल उधर बेचना और उधर का माल इधर बेचना, और बॉलीवुड तो इसमें एक्सपर्ट है, जो आपको पता होगा। पर दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया की 3 ऐसी फिल्में जिनके रीमेक पर रीमेक बनते चले गए और अभी भी बन रहे हैं, और दूसरे देशों में भी इन फिल्मों के रीमेक बन चुके हैं। पहली फिल्म है दृश्यम। दोस्तों आपको लगता है कि दृश्यम के सिर्फ 4 रीमेक बने होंगे, पर दोस्तों आप गलत हो। दृश्यम मूवी के अब तक 8 रीमेक बन चुके हैं और 2 रीमेक अभी बनने वाले हैं। चलो बताते हैं कौन से और किन देशों में दृश्यम के रीमेक बन चुके हैं और बनने वाले हैं। बस नोटबुक में नोट कर लेना, कुछ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले 2005 में द डेविएशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स नाम की जापानीज नॉवेल आई थी, जिसको अडेप्ट करके 2008 में सस्पेक्ट एक्स नाम की जापानीज फिल्म बनाई गई। फिर 2013 में दृश्यम नाम की मूवी बनाई गई, जो इसी जापानीज नोवेल पे बेस्ड थी। फिर 2014 में कन्नड़ भाषा में दृश्य नाम की एक फिल्म बनाई गई, जो दृश्यम की रीमेक थी। फिर 2014 में ही तेलुगु में दृश्यम नाम से इसका रीमेक बनाया गया। 2015 में पापन असम नाम से फिर से इसका रीमेक बनाया गया, जो तमिल लैंग्वेज में था। फिर 2015 में हिंदी में भी इसका रीमेक बनाया गया। फिर इसके बाद दृश्यम को थोड़ी शांति मिली, 2 साल का गैप मिला, पर फिर से 2017 में सिन्हला लैंग्वेज में धर्म युद्ध नाम से दृश्यम का रीमेक बनाया गया। फिर इस कहानी ने चाइना वालों को भी नहीं छोड़ा। 2019 में शिप विदाउट अ शेफर्ड नाम से चाइनीज फिल्म बनाई गई, जो दृश्यम का रीमेक थी। तो गुरु लोग, ये थी दृश्यम मूवी की हिस्ट्री। पर दृश्यम ऐसी पहली फिल्म थी जिसे 8 लैंग्वेज में बनाया गया हो। और 2021 में इंडोनेशिया ने भी दृश्यम का रीमेक अनाउंस किया था, और अभी फिलहाल 2023 में कोरिया ने भी इसका रीमेक अनाउंस कर दिया है। यानी कि टोटल 10 रीमेक दृश्यम मूवी के बन चुके हैं। तो अब मेरे पास इसके लिए कोई भी शब्द बाकी नहीं है। दूसरी फिल्म है राउडी राठौड़। देखो दोस्तों, राउडी राठौड़ के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर आप बोलोगे डोंट एंग्री मी। तो जोक को साइड में रखते हैं, तो सबसे पहले 2006 में विक्रम कुडू नाम की एक फिल्म आई थी, जिसको एसएस राजामौली सर ने बनाया था। फिर इसके बाद 2007 में बांग्लादेशी बंगाली भाषा में उल्टा पलटा 69 से इसका रीमेक बनाया गया। फिर 2009 में कन्नड़ लैंग्वेज में भी इसका रीमेक बनाया गया। फिर 2011 में तमिल में इसका रीमेक बनाया गया। 2012 में हिंदी में भी इसका रीमेक बनाया गया। फिर से 2012 में बंगाली में भी इसका रीमेक बनाया गया। फिर 2015 में एक्शन जैस्मिन नाम से फिर से इसका रीमेक बनाया गया। यानी कि टोटल 6 रीमेक विक्रम कुडू मूवी के बनाए गए हैं। इसका पूरा क्रेडिट एसएस राजामौली सर को जाएगा, क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने ही की थी ना। तीसरी फिल्म है नुवस तानंते नेनो धामंता। भाई, इस प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, थोड़ा संभाल लेना। तो दोस्तों, ये मूवी पहले तेलुगु लैंग्वेज में बनी थी, और अब तक इसके 9 रीमेक बन चुके हैं। तमिल, कन्नड़, बंगाली, मणिपुरी, ओडिया, पंजाबी, बांग्लादेशी बंगाली, नेपाली, और इसका लास्ट रीमेक था 2013 में आई हिंदी मूवी रमैया वस्तावैया। फिर इसके बाद इसके रीमेक बनना बंद हो गए, पर फिलहाल जो भी रीमेक बने हैं वो भी कम नहीं है। भाई, टोटल 9 रीमेक इसके बन चुके हैं। भाई, आपको इनमें से कौन सा पसंद है, दृश्यम, राउडी राठौड़, या फिर रमैया वस्तावैया? नीचे कमेंट्स जरूर कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, प्लीज कर देना। ऐसे ही मत चले जाना। तब तक टेक केयर और बाय।